हिंदुस्तान भर में कई रियासतों में, महाराष्ट्र में उस मुद्दे को लेकर के कई जगह छोटी मोटी हिंसाएं भड़की और उसी में मालेगांव शहर भी बंद का ऐलान एक तंजीम ने किया और उस बंद को जो है महाराष्ट्र की मुल्क की तमाम पार्टियों ने हिमायत और तायिद की और 100% मालेगांव कामयाबी से बंद हुआ। हद तक देखने में आया कि एक पनपट्टी भी ना खुली रही, लेकिन मालेगांव शहर में जो हुआ, एक अच्छा प्रोग्राम चल रहा था, पुलिस कॉपरेट कर रही थी कि आप लोग यहाँ पर आ कर के निवेदन दे दीजिए, हम एडिशनल कलेक्टर साहब को यहाँ बुला रहे हैं शहीदों की यादगार के पास, आप 5-25 लोग निकल करके जिम्मेदार आके निवेदन दे दीजिए। प्रोग्राम के तहत सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जो बंद था जुमा का दिन, पुलिस जानती है, शहर जानता है, सब जानते हैं कि जुमा के दिन हर गरीब मजदूर छुट्टी मनाता है और सड़कों पे आता है। आगरा रोड, कोदवाई रोड, मिर्ज़ा गालिब रोड, इन तमाम जगहों पे आम दिनों में भी पैर रखने की जगह नहीं होती है, जुमा की तो बात ही अलग है। निवेदन देने के लिए पुलिस ने बुलाई कि आप यहाँ आके निवेदन दीजिए शहीदों की यादगार पर और निवेदन दे करके चले जाइए। उस दिन जो मालेगांव शहर में हुआ, हम उसका कड़े अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं। ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं भी आग लगती है, कोई नुकसान होता है, किसी की जान जाती है, किसी का कुछ होता है, तो हमारा ही होता है, आवाम का ही होता है और आवाम ही परेशान होती है। तो ऐसा तो पहली बात नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो हुआ, शुरू से आखिर तक मैं इस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूँ कि यहाँ क्या हुआ। मैं खुद ये चाहता था कि शहर की आवाम को कोई नुकसान ना पहुँचे, शासन प्रशासन को भी कोई नुकसान ना पहुँचे, हमारे शहर की किसी भी तरीके से बदनामी ना हो। इतना कामयाब बंद हुआ है, हम सरकार की आँख खोलना चाहते थे। हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है, सबको अपना अपना अधिकार है कि अपने मजहब के मुताबिक, अपने धर्म के मुताबिक, अगर जो उसे हक नहीं मिलता है तो बाबा भीमराव साहब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान के मुताबिक वो जमहूरी अंदाज में अपना आंदोलन कर सकता है। हम लोग जब वापस यहाँ से निवेदन दे करके कंपाउंड में पहुँचे तो वहाँ से पुलिस वालों के फ़ोन आ रहे थे कि आप लोग आओ और अपने जिम्मेदारों, अपनी आवाम को ले करके जाओ, शहर में मामला बिगड़ जाएगा। मैं मुस्तकीम डिग्निटी, इशूब नेशनल वाले, दीगर कई लोग, हम बस स्टैंड के पास आए। आने के बाद वहाँ जो मामला हुआ, शासन और प्रशासन को मालूम है हमने क्या रोल अदा किया, अच्छी तरीके से मालूम है। हमने पब्लिक को भी बचाया, उन्हें भी बचाया, लेकिन हिस्से में हमारे
337 दिन की जेल आई। बहरहाल शहर के अंदर आने वाली 28 तारीख को दस्तूर हिंद कमेटी जो एक इस्तेकबालिया प्रोग्राम ली है, हम आवामी पार्टी की तरफ से उन्हें हिमायत और ताईद देते हैं और एक एक चीज आवाम के बीच में हम रखेंगे कि शहर के किस जिम्मेदार ने क्या काम किया 12 नवंबर को लेकर के आज तक के लेकर के। आप मीडिया के लोग बेहतर जानते हैं कि कोई यहाँ 40 साल से सियासत कर रहा है, कोई 35 साल से कर रहा है, कोई 30 साल से कर रहा है, कोई साफ और शफाफ नाम पे 15 साल से सियासत कर रहा है। एक दूसरे को तनकीद करने के अलावा इन्होंने शहर के लिए कुछ भी नहीं किया है। मालेगांव शहर की हर साल घर पट्टी किसने बढ़ाया? मालेगांव शहर के पानी को किसने बेचा? मालेगांव शहर पे आज जो बिजली कंपनी एक अजाब बन के छाई हुई है, इसे किसने लाया और किन के इशारे पे ये रेट मारी जा रही है? कारखानों में, घरों पे लोगों को परेशान किया जा रहा है। एलएलसी का जो स्क्वाड है, किसके बोलने पे ये सब कर रहा है? कुछ फाइल हमारे शहर के जिम्मेदार बता रहे हैं कि महावितरण की हमारे पास में ये फाइल है, हम ऐसा करना चाह रहे हैं, वैसा करना चाह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे बब्बर शेर आ गए गांव में। अरे भाई साहब, मैं जब जेल में था ना तब से ये फाइल मेरे पास है, तुम आज कहाँ से लेके आ गए और आज ही ये मुद्दा क्यों दिख गया? किसने बिजली कंपनी को ये दिया? आवाम को किसने झोंका? मैं जेल से जाने से पहले, आप तमाम मीडिया के लोग गवाह है कि जहाँ जहाँ आवाम को तकलीफ भई है, हमने घंटों में वहाँ पे डिक्कियाँ चढ़वाई है, खंबे लगवाए हैं, लोगों जहाँ से ये पूरा की पूरा स्कॉट मीटर काट के बस्तियों से ले जा रहा था, हमने वापस उनके मीटर लगवाए हैं। हम आवाम का मोर्चा लेके एडिशनल एसपी साहब से मिले हैं। एडिशनल एसपी साहब ने पूरी महावितरण के लोगों को, जिम्मेदारों को बुला के हमारे साथ मीटिंग ली और कहा कि इस तरीके से तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेंगी, तुम किसी के घर पे जा कर के बिना बोले आप किसी के मीटर को नहीं निकाल सकते। आप लोगों के लगो तमाम वीडियो है, तो ये शहर के जिम्मेदार चंद कागज का टुकड़ा बताते हैं कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। भाई साहब, काम चाहिए आवाम को। शहर के मोहतबर जिम्मेदार आज सड़कों पर उतर रहे आंदोलन करने के लिए, हम खैर मकदम करते हैं, हर आंदोलनकारी का हम इस्तकबाल करते हैं। आइए, ये बाबा साहेब अम्बेडकर का मुल्क है, हम आंदोलन करने वालों की कदर करते हैं। आज 10 साल से हम आगरा रोड को, शहर की तमाम मसाइल की जगह को लेकर के, अल्हम्दुलिल्लाह पांचों टेम का नमाजी हूँ, घर का अच्छा आदमी हूँ, कहीं से नीचे से ऊपर से पाकिट आएगा तो मैं बाहर निकलूँगा वो भी नहीं हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से पाकिट आता है, अपने बलबूते पे कमा के घूमता हूँ, आवाम की खिदमत करता हूँ। इलेक्शन को चंद महीने रह गए तो आगरा रोड की तकलीफ नज़र आ गई। बहुत अच्छी बात है धरना आंदोलन किए, 10 साल में पहली दफ़ा दिखी क्या? यहाँ सीनियर साहपी बैठे हुए हैं, जब तो चैनल वगैरह इतना था नहीं, हम चरचर पचपन डंपर मुरुम मट्टी पत्थर मंगा करके हम रोड को पाटते थे अपने हाथों से, हाथों की चमड़ियाँ निकल जाती थी। आप अखबार वालों ने लिखा कि यार खिदमत कर रहा है, तो अचानक कैसे क्या इनको सुध आ गई कि आगरा रोड पे तकलीफ है देवी के मल्ले के पास में? आज से 3.5 साल पहले
मैं अपने हिंदू भाइयों को लेकर के वहां किच्चड़ में लोटपोट किया, तब भी नहीं दिखा क्या? बहुत सारी चीजें जो 28 तारीख को हम आवाम के सामने बताएंगे कि किसने क्या किया, कौन कितने दफे जाके बंबई में हम बेगुनाह के घर वालों को ले जा करके कितनी दफ़े मीटिंग किया, कितनी दफ़े मनोरंडम दिया, कितनी दफ़े सड़कों पे आया। आगरा रोड की तकलीफ के लिए आप रोड पे आ गए, 12 नवंबर के लोगों के लिए रोड पे नहीं आए। आप कह रहे हो 1500 में से 64-60 लोग जो अंदर हुए, बाकी को मैंने छोड़ा लिया। तो भाई हो सकता पुलिस वालों ने उनको कुछ रिटर्न में दिया होगा कि आपने कहा तो इसलिए हम लोगों ने ये 1440 लोगों को तुम्हारे बोलने पे गिरफ्तार नहीं करेंगे। अगर जो ऐसा है, पुलिस ने उन्हें लिख के दिया है कि आप 1440 लोगों को हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, तो शहर में सबसे पहले इस्तकबाल उनका रिजवान बैटरी वाला आवामी पार्टी करेंगी। लफासी बातें करना, इतनी तो हिम्मत थी नहीं कि हम सिटी में 11 दिन थे, जाली पकड़ के भी हमसे बात कर ले। ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग बांग्लादेशी तो बेचारे छोटे मोटे लोग ऐसा लग रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि जैसे हम लोग जो है ना लश्करे तैयबा के लोग आ गए हैं। हमसे तो दो जुमला बात करने की हिम्मत नहीं थी। तो आपने बाकी लोगों को कहाँ से छुड़ा लिया, जरा वो मीडिया को बता देना। ऐसी मेरी शहर की तरफ से गुजारिश है कि आपने लोगों को जलसे में कहा ना मैंने बचाया, बता दीजिए आप। हम एक एक चीज को आवाम की अदालत में उस दिन रखेंगे कि किसने और कैसे कौम के साथ गद्दारी की है, वो हम आवाम के बीच में लाएंगे। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि 12 नवंबर के मामले में अगर जो मालेगांव शहर की आवाम के दिलों में हमें जिंदा रखा, तो आप मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मेहरबानी है कि आपने आवाम को जगाते रहे कि आपके लोग बंद है। और हम सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हम सबको एक बहुत बड़ी निजात से छुटकारा दिलाया। और मालेगांव शहर की गयूर आवाम जो हमारे लिए मस्जिदों में, मदरसों में, खानकाहों में, सड़कों पे खड़े रह के दुआ किए, पर्दा नशीन माँ बहनें हमारे लिए रोज़ा रखे, हमारे कई ऐसे सहाफ़ी हजरात हैं जो हमारे लिए रात दिन एक किए, मालेगांव से बम्बई, बम्बई से नासिक, ये सब लोग मुबारकबाद के हकदार हैं। आने वाले जुमा को हम पहले आदमी का नाम पेश करेंगे आवाम की अदालत में कि इनका क्या रोल है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते कि हम लोगों का नाम भगोड़ों में नहीं है। हमें तो एक सादा सा हवलदार फ़ोन करता है ना कि भाई ऐसा मसला है, तो हम पहुंच जाते, भागते नहीं है कभी पीठ दिखा के। तो जिन लोगों ने ये प्रोग्राम बुलाया था उन लोगों को सोचना चाहिए था कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। उनकी जिम्मेदारी थी कि शहर के जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी मदद करना, ना कि शहर छोड़ के भाग जाना। बाकी तमाम चीज़ें हमारी पूरी हिमायत और ताईद आने वाली 28 तारीख के प्रोग्राम को है, और इंशाअल्लाह वहाँ पे हम तमाम तफसील से बातें रखेंगे।